अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो ये है, बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में और मुझे मैसेजेस पे ये पूछ रहे हैं कि जो इन्फिनिक्स हार्ट S3 है या इन्फिनिक्स S3 जिसको पाकिस्तान में कहते हैं, तो उसमें जो एप्स हैं XOS फैमिली की, जैसे कि एक्स क्लाउड या एक्स हाइड या इससे रिलेटेड कोई एप्स हैं, वो वर्क नहीं करती। वो क्यों वर्क नहीं करती ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इसके साथ बेल के बटन को दबा दें, हर नई वीडियो से आगाह रह सकें और जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुँच सके। होता यह है कि आज तक जो भी इन्फिनिक्स वालों ने सेल फोन्स बनाए हैं, 05 जो 0 सीरीज है, हार्ट सीरीज है, इसके अलावा जो नोट सीरीज है, सारी की सारी है वो बेस करती है मीडिया टेक प्रोसेसर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया टेक प्रोसेसर हैं वो थोड़े से चीप होते हैं और जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर होते हैं वो स्नैपड्रैगन होते हैं, वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो इसकी वजह से जो वो प्रोसेसर होते हैं वो अगर कोई दूसरी कंपनी लेती है तो उनसे ज़्यादा महंगे होते हैं। अभी तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ था जिसको हम XOS कहते हैं, यानी कि XOS लॉन्चर जो है, जो इन्फिनिक्स के जो फ़ोन हैं उसमें यूज़ होता है, तो उसमें जो एप्स होती थी XOS फैमिली वाली वो सारी की सारी ऑप्टिमाइज थी जो मीडिया टेक के प्रोसेसर थे उनके लिए। जो भी हार्ट सीरीज थी या नोट सीरीज थी, इन सारों में मीडिया टेक के प्रोसेसर आते थे। अब क्योंकि जो इन्फिनिक्स वालों ने वो स्टेप अप किया है, अपनी गेम को स्टेप अप किया है, इन्फिनिक्स हार्ट S3 में उन्होंने लगाया है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का, जिसकी वजह से उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो मुश्किलात ये हैं कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि मीडिया टेक के प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं लेकिन स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते। तो इसकी वजह से जो बहुत सारी XOS फैमिली वाली ऐप्स हैं, जैसे कि एक्स हाइड या दूसरी ऐप होगी कोई, एक्स क्लाउड या इस किस्म की कोई ऐप्स हैं, वो इसमें अभी तक अवेलेबल नहीं है। जो डिवेलपर्स हैं वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर के आपको ऐसी ऐप्स प्रोवाइड कर दी जाए कि जो सारा कुछ सपोर्ट करती हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है मोबाइल चलाने का वो वही रहे, जैसा कि आप मीडिया के टैग के प्रोसेसर के साथ मोबाइल चलाते थे तो आपका एक्सपीरियंस रहता था। जब तक ये नहीं मिलता आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं इन ऐप्स का, आप एक हाइड के लिए कोई और ऐप ढूंढ सकते हैं, प्ले स्टोर पर हज़ारों की तादाद में ऐप्स मौजूद हैं। उसके अलावा बैकअप स्टोरेज है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गूगल ड्राइव, कंटेक्ट्स तो आपके वैसे ही बैकअप बन जाते हैं। तो अगर आपने SMS बैकअप बनाना है तो आप वंडरशेयर का डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं जिनके जरिए आप बैकअप बना सकते हैं या हाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल की चीज़ों को। तो ये वजह है जिसकी वजह से जो इन्फिनिक्स के जो नए फ़ोन है हार्ट S3, उसमें जो बहुत सारी इन्फिनिक्स की जो ऐप्स हैं जो कि पुरानी ऐप्स हैं XOS फैमिली वाली वो अवेलेबल नहीं है। तो एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी जो बहुत सारे यूज़र्स को पता नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। इसके हवाले से आपका कोई सवाल है या कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमारा मोबाइल क्या सपोर्ट करते हैं क्या नहीं करता, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए तारीमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।